हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी वेद वास्तु एंड ज्योतिष विद्यालय सिलवासा। वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। फ्रेंड्स, हम सीरियल नंबर से आप सभी को बता रहे हैं कि किस लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ रहेगा और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ रहेगा। तो फ्रेंड्स, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा के तरफ से आप सभी को मैं ये बताने का प्रयत्न करता हूं कि आप सभी ज्योतिष के विषय में गूढ़ से गूढ़ और अच्छी से अच्छी जानकारी को सहजता से समझ पाए। फ्रेंड्स, मैं ये बात पूरा प्रयत्न करता हूँ और आप लोगों को मैं बताता हूँ रेगुलर अपने वीडियो और ट्यूटोरियल के माध्यम से। तो आप सभी मुझे सहायता करें, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, हमारे आर्टिकल्स को लाइक करें, उसे पढ़ें, उस पर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। आप हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, हमारे वेबसाइट को विजिट करें, आप ईमेल और फ़ोन नंबर के माध्यम से आप हमें जुड़ें। आपको अगर पर्सनली हमसे मिलना है, मिलना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। हमारे ब्लॉग को आप विजिट करें, वहाँ साइन अप करें, वहाँ से आपको आपके मनचाहे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मेरा एड्रेस है बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के बाजू में, मेन रोड मंदिर फलिया आमली सिलवासा, वापी से काफ़ी करीब है। तो आप यहाँ आएं और हमें मिलें। वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित कोई भी सलाह लेना हो अथवा पढ़ने की इच्छा हो आपकी, तो आप हमारे इस पते पर, इस नंबर पर, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, आइए आज हम आप लोगों को लेकर के चलें। शायद आप लोग देख पा रहे हों, हमने जैसा कि आप लोगों को हर बार बतलाया है, आज भी बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि तुला लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है। ठीक है, तो मित्रों, आप सभी को पराशर ऋषि के उन सूत्रों की ओर लेकर के चलूं। तो आइए, पराशर ऋषि लिखते हैं कि जीवार्क महिजाह पापा। तो मित्रों, जीवार्क महिजाह पापा शनैश्चर बुधौ शुभौ भवेताम राजयोगस्य कारकौ चंद्र तत्सुतौ। मित्रों, पराशर ऋषि कहते हैं कि तुला लग्न की कुंडली जिन मित्रों की होए, जिन जातकों की कुंडली तुला लग्न की है, उसमें जीव अर्थात गुरु, अर्क अर्थात सूर्य और महिजा अर्थात मंगल, ये तीनों ग्रह पाप ग्रह होते हैं और मारक ग्रह होते हैं। शनैश्चर बुधौ शुभौ, शनैश्चर जो है और बुध, शनि और बुध, ये दोनों शुभ ग्रह तुला लग्न की कुंडली में हो। तो मित्रों, इस कुंडली में पराशर ऋषि कहते हैं कि जो तुला लग्न की कुंडली होती है, उसमें शनि बुध ये दोनों ग्रह शुभ होते हैं। दूसरा कहते हैं कि भवेताम राजयोगस्य कारकौ चंद्र तत्सुतौ, अर्थात संपूर्ण राजयोग कारक इस ग्रह, इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में अगर कोई ग्रह होता है तो वो होता है चंद्रमा और उसका पुत्र अर्थात बुध। चंद्रमा और बुध
ये दोनों ग्रह इस तुला लग्न की कुंडली में संपूर्ण राजयोग कारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह चंद्र, गुरु, सूर्य और मंगल, ये तीनों प्रबल मारक, तीनों खतरनाक ग्रह हैं। और शनि और बुध ये दोनों शुभ ग्रह हैं। इसमें भी चंद्रमा और उसका पुत्र बुध जो है संपूर्ण राजयोग कारक ग्रह माना गया है। तो मित्रों, अगले सूत्र में पराशर ऋषि कहते हैं कि कुजो निहंती जीवाद्याः परे मारक लक्षणाः निहंतारः फलान एवं काव्यो न तु तुला भवः। अर्थात मंगल इस कुंडली का मार्केश ग्रह होता है। गुरु आदि जो अन्य ग्रह हैं, जो मार्केश के लक्षण हैं, वे अनिष्टकारक और शुक्र फलदाता ग्रह इस कुंडली में होता है। कुजो निहंत जीवाद्याः, जीव आदि जो ग्रह हैं वो इसमें मारक होता है। कुछ मतलब मंगल, तो मंगल जो है इस कुंडली का मारक ग्रह है, मार्केश होता है। और उसके साथ जो जीव आदि ग्रह हैं, गुरु, सूर्य और मंगल, ये जो हैं ये अन्य जो मार्केश के लक्षण होते हैं वे अनिष्टकारक जरूर होते हैं, यानी ये मारक ही हैं। और निहंतारह फलान एवं काव्यो न तु तुला भवः। काव्यो अर्थात शुक्र, शुक्र जो होता है इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में समफलदाता ग्रह होता है। क्योंकि मित्रों, आप इस कुंडली को अगर देखें, थोड़ा आज फोन के वगैरह वजह से कोई है नहीं, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, तो कोई बात नहीं। मैं इस कुंडली को आप लोगों को पूरी तरह से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, आप ध्यान थोड़ा सा दें। अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयत्न करूँगा कि 10 से 12 मिनट का ही हो। तो मित्रों, इस तुला लग्न की कुंडली को अगर देखेंगे तो शुक्र जो है इस कुंडली का लग्नेश और अष्टमेश ग्रह होता है। चंद्रमा दसवें भाव का मालिक होता है। बुध इस कुंडली में भाग्येश होता है और व्ययेश होता है। मित्रों, इस कुंडली में गुरु जो होता है वो आप देख रहे हैं, जैसा कि तृतीयेश और षष्ठेश होता है। तो तृतीयेश का मतलब मारक और षष्ठेश का मतलब भी अनिष्टकारक। तो मित्रों, इसमें सूर्य जो होता है, सूर्य को आप देखें, ये इनकम भाव का, त्रिखट भाव का मालिक होता है। ये भी पूर्णतः कारक ग्रह होता है इस कुंडली में। और मित्रों, अगर मंगल की बात करें तो मंगल तो इसमें सबसे बड़ा मारक ग्रह है। आप देख रहे हैं द्वितीयेश और सप्तमेश है, और ये दोनों घर प्रबल मारक घर है। तो मंगल तो इसका सबसे बाधा कारक और सबसे बड़ा मारक ग्रह इस कुंडली का है। तो मित्रों, इस कुंडली में शनि, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये दोनों घर का मालिक शनि इस कुंडली में होता है। और बुध, अगर बुध की बात करें तो भाग्येश है। भाग्येश होने के नाते ये बुध जो है शुभ फलदायक इस कुंडली का ग्रह होता है। तो 10th होम का मालिक चंद्रमा और 9th होम का मालिक बुध, ये दोनों इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं। तो मित्रों, इस तरह से मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीनों इस कुंडली के बाधक एवं मारक ग्रह हैं। प्रबल मारक ग्रह मंगल है, इसमें योग कारक ग्रह बुध, और दूसरा शनि योग कारक ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा योग कारक ग्रह इसमें चंद्रमा होता है। तो मित्रों, अब
अगर इसका इस कुंडली का निर्णय और फलादेश करना हो आपको, तो पराशर ऋषि जैसा कि हर समय कहते हैं कि अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार आपको पूर्ण ज्ञान रखना पड़ेगा ज्योतिष का, कि सूर्य अगर इसका अकारक ग्रह है, जैसा सपोज दैट आपको मैं बता दूं एक बात यहाँ पे कि लाभे से लाभ भावस्थे लाभ सर्वेषु कर्मसु पांडित्यम च सुखम तस्य वर्धते च दिने दिने। पराशर ऋषि ही कहते हैं कि अगर इनकम भाव का मालिक इनकम भाव में ही अपनी राशि में अपने घर पे अपने घर में अपनी राशि पर ही बैठा हो तो पांडित्यम च सुखम तस्य वर्धते च दिने दिने। उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, सब कुछ उसका दिनों दिन बढ़ता है। तो यहां पे तो ये सूर्य प्रबल योग कारक ग्रह हो गया, प्रबल योग कारक ग्रह। तो ऐसी स्थिति में केवल जो ये सूत्र मैं आपको बता रहा हूं ये केवल लग्नों के आधार पे वो ग्रह, लेकिन कोई भी ग्रह जैसे ये बुध अपने घर में व्यय भाव में ही बैठा हुआ है, अपने घर में मूल त्रिकोण में है, तो ये बुध यहाँ पे हानिकारक थोड़ा सा भी नहीं होगा। ये पहले तो एक भाग्य सोने के नाते योग कारक ग्रह है, और दूसरा व्यय सोने के नाते थोड़ा बहुत जो दोष भी इसके अंदर था वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि अष्टमेश अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो वो मारक फल नहीं देता। तो मित्रों, इस तरह की बहुत सारी जो ज्योतिष के जो सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र, वो सब मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा कि आप हमारे फेसबुक के पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उस यूट्यूब के चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारा मनोबल तभी बढ़ेगा। अगर आप ऐसे चुप रहेंगे तो फिर हमें भी लगेगा कि चलो किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करें। इसलिए आप सभी अपना मंतव्य हमें अवश्य प्रदान करें, हम आपके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको ज्योतिष का संपूर्ण और एकदम सटीक ज्ञान मिले, ताकि आप शुद्ध फलादेश कर पाएं। तो आप अपना मंतव्य हमें अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दें, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं कि आप लोगों में से कौन क्या पूछेगा। तो आप हमसे प्रश्न पूछें, अपने मन की बातों को पूछें, हम उसको पूरा बताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो आज जैसा कि मैंने तुला लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है ये बात मैंने आप के साथ चर्चा किया। तो आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके मंगल कामनाओं के साथ एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।